सी बिहार झारखंड पर लगातार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की, जहां हर ओर रौनक देखने को मिल रही है महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर, और अलग अलग जगहों से हम आपको भोले बाबा के दर्शन करा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करना चाहेंगे। पटना से हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं, वहीं जयपुर से हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोशन और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम रोशन के पास चलते हैं। रोशन, सबसे पहले भोले बाबा के दर्शन करा दीजिए और ये बता दीजिए कि किस मंदिर के पास आप मौजूद हैं। अंजलि, बिल्कुल, सबसे पहले मैं राजधानी जयपुर है, इसको जो छोटी काशी कहा जाता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तारकेश्वर मंदिर है, काफी प्राचीन यहाँ पर मंदिर है। आप यहाँ पर जो शिव भक्त हैं, भोले भक्त हैं, उनकी यहाँ पर भीड़ को देखकर यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर जो शिव भक्त हैं वो भगवान शिव को किस तरीके से यहाँ पर मनाने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं जयपुर के उन मंदिरों की गवाह है कि किस तरीके से जो शिवालय है वहाँ पर शिव भक्त है, बम बम भोलों के नारों के साथ यहाँ पर भगवान शिव की यहाँ पर पूजा में यहाँ पर लगे हुए हैं, आराधना में यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो शिव भक्त है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ महत्व है, आप यहाँ पर आए हैं भगवान शिव के यहाँ पर दरबार में आए हैं, किस मन्नत के साथ यहाँ पर आप आए हैं? मन्नत के साथ जाके दुआ हो, कुछ बढ़िया काम हो, बढ़िया काम हो, तरक्की हो, इस चक्कर में आए हम। बढ़िया तरक्की वरक्की जो भी हो इस चक्कर में आए, आगे बढ़ोतरी हो, जो भी हो। अंजलि, देखिए, हर एक जो भक्त है वो किसी न किसी यहाँ पर श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ यहाँ पर जयपुर के जो शिवालय हैं उनके अंदर यहाँ पर पूजा के लिए यहाँ पर। जी बिल्कुल, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा रोशन। रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर के प्राचीन शिव मंदिर से, साथ ही साथ हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं, वहीं अभी अभी दिल्ली से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सुमित का रुख करना चाहेंगे। सुमित, देश भर के अलग अलग प्राचीन शिव मंदिरों के दर्शन हम अपने सभी भक्तों को करा रहे हैं, आप किस शिव मंदिर के दर्शन अभी कराएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए अंजलि, मैं उत्तम नगर के किरण गार्डन में एक शिव मंदिर है, वहाँ मैं आपको लिए चलता हूँ, और आप देख सकती हैं कि यहाँ तमाम जो है भक्त जुड़े हुए हैं और शिवलिंग में जो है वो दर्शन किए जा रहे हैं। मैं कुछ दर्शक से ही, कुछ श्रद्धालु से ही बात कर लेते हैं। मैम, ये बताइए कि क्या आस्था है आप में शिव को लेकर, और आप खासकर जो आई हैं क्या मन्नत के साथ आई हैं? परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर में धन धन्य और सुख शांति। आप देख सकती हैं यहाँ जलाभिषेक किया जा रहा है बकायदा शिवलिंग पे, उनसे ही हम जान लेते हैं। ये बताइए कि क्या श्रद्धा है आपको शिव में, और आपने क्या मन्नत लेकर यहाँ पहुँचे हैं? मन्नत तो हमारी यही है कि हर बार शिवरात्रि के मतलब मनाते हैं, और मतलब भगवान के सुख शांति रखे इसी कामना करते हैं। भैया, मुझे अपने बस शरीर सब कुछ, और ये देख सकती हैं कि कई अलग अलग मन्नत को लेकर जो है यहाँ लोग पहुँचे हैं, और तमाम जो है सुबह से ही लोगों का यहाँ तांता लगा हुआ है, क्योंकि वर्किंग डे है आज भी दिल्ली में, इस लिहाज से जो है सुबह सुबह ही पूजा करके लोग जो है अपने दफ्तर की ओर रवाना हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पर पूरे उत्साह के साथ पूरे देश भर में, दिल्ली के अलावा पूरे देश भर में, सुबह परिवार में समृद्धि रहे, आसपास खुशहाली का माहौल हो, इसी कामना के साथ सभी भक्त पहुंच रहे हैं आज शिव मंदिरों में, शिवालयों में, और भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुमित आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए। और एक बार फिर से हम जयपुर चलते हैं अपने सहयोगी दीपक के पास। दीपक, अभी अभी जिस महिला से आपने बात की थी, उन्होंने ये बताया कि भोलेनाथ की महिमा कुछ ऐसी है कि आईसीयू में भर्ती बेटे को उन्होंने फौरन ठीक कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई श्रद्धालु कष्टों से घिरा रहता है, उसे कुछ नजर नहीं आता है, तो एकमात्र रास्ता भगवान के दर की ओर जाता है, और भोलेनाथ यही है, इनकी महिमा ऐसी ही है कि सभी कष्टों को दूर करते हैं, और इसी कष्टों के निवारण के लिए सभी भक्त आज भी शिव मंदिरों का रुख कर रहे हैं। भारी भीड़ देखने को मिल रही है, ये महिमा अपरंपार है। दीपक, देखिए, आपने ठीक कहा, महिमा अपरंपार है भगवान भोले की, और जब कुछ दिखाई नहीं देता, यदि कोई विपदा में व्यक्ति आता है तो भगवान का वो रुख करता है, मंदिर के दीवाले रोकता है, और शायद उसकी मनोकामना या किसी विपत्ति में वो हो तो उसको जरूर भगवान यहाँ ठीक करता है। और जिस तरीके से एक महिला ने उदाहरण बताया कि उसका जो बच्चा है वो आईसीयू में एडमिट हो गया था, और भगवान के दर पे वो पहुंची, चार घंटे लाइन में लगी, भगवान से अपने बच्चे के ठीक होने की यहाँ पर मनोकामना की, और जब घर पहुंची थी उसकी गोद में वो बच्चा था। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं आस्था आज भी लोगों के जहन में
बरकरार है और वही आस्था आज छोटी काशी में देखने को मिल रही है। और आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, छोटी काशी का झारखंड महादेव मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, दूर दराज से यहाँ लोग पहुँचते हैं। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से पद यात्राएं पहुँचती है, कांवड़ यात्राएं यहाँ पहुँचती है। और अभी भी सुबह जब हम यहाँ पहुँचे थे तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी लोगों को वाहनों के आवागमन यहाँ रोक दिया गया था। और यही बताता है कि आज दिन भर इसी तरह की तस्वीर इस मंदिर में रहने वाली है, क्योंकि 5 बजे तक का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक भगवान शिव का किया जाएगा। उसके बाद श्रृंगार झांकी सजाई जाएगी, 4 पहर की शाम को पूजा होगी और प्रदोष काल है और स्मार्ट और जो वैष्णव है वो एक दिन शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। कैमरा पर्सन लव कुमार फिर एक बार तस्वीरों को दिखाएंगे। भगवान शिव का अभिषेक करते हुए जो भक्त हैं झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे हैं, पुरुषों की लाइन अलग है, महिलाओं की कतार अलग है, सबको बारी बारी से मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। उसके बाद भक्त भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं और मनोकामना जरूर यहाँ पर मांग रहे हैं। और यही तस्वीर बताती है आज भी जिस तरीके से जो प्राचीन छोटी काशी के मंदिर है, चाहे हम तारकेश्वर मंदिर की बात करें या हम एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर की बात करें या हम झारखंड महादेव मंदिर की बात करें, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, आमेर में जो कई प्राचीन जो मंदिर है उनकी बात करें, ये ऐसे मंदिर है जहाँ पर आज भी भक्त चाहे वो चार दीवारी से बाहर रहने लग गया हो या शिफ्ट हो गया हो, लेकिन आज भी उन मंदिरों में जाना नहीं भूलता है। छोटी काशी का ये झारखंड महादेव मंदिर है और कतार भी इस तरीके से लगी हुई है। सुबह से जब मंदिर के पट खोले गए थे और भगवान का जलाभिषेक शुरू हो गया था, माँ शिवरात्रि का पर्व है, तारकेश्वर मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त यानी 12 बजे से ही पट खोल दिए जाते हैं, सुबह की आरती होती है, उसके बाद भक्तों के आने का सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है। एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर है जो मोती डूंगरी स्थित है, जो साल में एक बार खुलता है, वहाँ पर 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी कतारें लगी हुई है और वो कतारें इसलिए है वो आस्था को दर्शाती है। साल में एक बार खुलता है, राजघरपुर राजघराने का वो संपत्ति में वो मंदिर स्थापित है। और आज जिस तरह से मेरे सहयोगी विशाल लगातार वही तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आस्था का जो ज्वार है छोटी काशी में उमड़ा हुआ है और आज यही छोटी काशी आज बम बम भोले के ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान है। जी बिल्कुल दीपक, आप ठीक कह रहे हैं कि ओम नमः शिवाय के मंत्रों जाप के साथ सभी भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस वक्त पटना से हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय और नवजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत के पास एक बार फिर से चलते हैं, बोरिंग रोड स्थित मंदिर के पास आप इस वक्त मौजूद हैं नवजीत, और वहां भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच सुरक्षा दृष्टिकोण से भी बात करते हैं, कहा यह जा रहा है कि देश भर में महाशिवरात्रि का यह त्यौहार मनाया जा रहा है, भारी भीड़ भक्तों की इकट्ठी हो रही है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके की तैयारी पटना पुलिस प्रशासन ने की है? देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था की बात कीजिएगा तो इस मंदिर परिसर में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है कि सुरक्षा का लेकर के कुछ इंतजाम किएंगे, कोई सुरक्षा बल तैनात है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं। दरवाजे की तस्वीरें दिखाते हैं जहां से इस मंदिर में एंट्री होती है, तो ये जो मंदिर है चौराहे पे है, काफी इस जगह आबादी है, पैसे वालों की आबादी है, जो कह सकते हैं बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन सुरक्षा के जो व्यवस्था की बात कीजिएगा तो इस मंदिर में ऐसा कुछ दिखा नहीं है। हाँ, महावीर मंदिर की बात कीजिएगा और जो बिहार जो राजधानी पटना में जो थोड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पे जरूर व्यवस्था 24 घंटे रहती है सुरक्षा को लेकर के। तो सबसे बड़ी बात है, इस समय यहाँ बताएंगे ना कि अभी अभी बिहार में मतलब राजधानी पटना में धूप खिली है, धूप खिलने के बाद मंदिरों में जो भीड़ है थोड़ी बढ़ गई है। अभी कुछ देर पहले सुबह में जब बात कीजिएगा तो मौसम विभाग कल ही अलर्ट जारी किया था कि बिहार के कुछ जिलों में बारिश होगी, हल्की फुल्की बारिश होगी, तो सुबह में पटना राजधानी पटना में बारिश हुई थी, लेकिन अभी अभी धूप खिली है। धूप खिलने के बाद जो श्रद्धालु जो काफी संख्या में यहाँ पहुंचे, देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं जो बम बम भोले को जो शिवालय में पूजा अर्चना करने पहुंचे, यहाँ पे हर वर्ग के लोग पहुंचे हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, तो कह सकते हैं जो आस्था है शिव के प्रति वो देखने को मिलती है। अब ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना स्थित बोरिंग रोड स्थित पटना के जो मंदिर है वहाँ पे, तो देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि जो मंदिर के अंदर किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, तो वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग हैं जो मत्था टेक रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, इस तरीके से
तो ये जो पूरा का पूरा जो माहौल है राजधानी पटना समेत कह लीजिए पूरे देश भर और बिहार की, वो शिवभक्त शिवमय हो गई है। हमारे साथ एक जो कह सकते हैं वृद्ध हैं जो आए हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करने। सर आप यहाँ पे आए हैं पूजा करने, अब इस उम्र में आप पहुँचे हैं, कितना श्रद्धा है शिव के प्रति, क्या आप मांग रहे हैं, क्या मान्यताएं हैं आपकी? ये महाशिवरात्रि अहिंसा का सबसे बड़ा पर्व है और हमारे इसके मूल में राष्ट्रीय एकता की भावना है। कश्मीर के प्रतिभिज्ञा दर्शन में भी महाशिवरात्रि को सर्वधर्म से जोड़ा गया है, इसलिए यह एक महान पर्व है और हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता को झंकृत करने में इसकी अहम भूमिका है। अहिंसा का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। देख सकते हैं इनका मानना है जो शिवरात्रि को बता रहे हैं कि अहिंसा का सबसे बड़ा पर्व मान रहे हैं। यहाँ पे एक और तस्वीर हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे जो कह सकते हैं जो पीपल का वृक्ष है जो माना जाता है कि पर्यावरण के लिए काफी अच्छा पौधा माना जाता है, जो तुलसी पीपल इसको लेकर बिल्कुल नवजीत ये रौनक देखते ही बन रही है और ये रौनक हमारे सभी सहयोगी दिखाने में दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। एक बार फिर से हम जयपुर चलते हैं अपने सहयोगी दीपक के पास। दीपक पुजारी जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया है कि भोलेनाथ की महिमा कुछ इस तरीके से अपरंपार कही जाती है कि अगर भगवान शिव का हम रूप देखें तो उन्होंने अपने रूप में कई ऐसी चीजों को अपनाया है जिसे कहीं मान्यता नहीं मिली। साथ ही साथ जब वो बारात लेकर माता पार्वती के पास पहुंचे विवाह में बंधने के लिए, वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए, उस दौरान भूत प्रेत उनकी बारात में थे। तो ये बड़ी ही अद्भुत महिमा है भोले शंकर की और शायद इसी महिमा की वजह से सभी वर्गों के लोग भगवान शिव के पास पहुंचते हैं गहरी आस्था लेकर के पूजा करने के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, भगवान शिव की जो महिमा है वो अपरंपार है और वो अपरंपार इसलिए है कि भगवान शिव के द्वार पे जो पहुंचता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जिस तरीके से आपने बताया बारात लेकर पहुंचते हैं तो जो मनोकामनाएं होती है वो शायद जब पूरी होती है तो आमजन जो भक्त है उसके जो भगवान के प्रति विश्वास जरूर बढ़ता है, आस्था दिखाई देती है। वही कारण है आज छोटी काशी के तमाम जो मंदिर हैं उनमें इसी तरीके का आस्था का ज्वार शायद देखने को मिल रहा है। तमाम शिवालय हैं, शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी कतार यही बताती है कि आस्था किस तरह से आज भी लोगों के जहन में है। और यही है कि छोटी काशी का झारखंड महादेव मंदिर, बुजुर्ग महिलाएं, क्या छोटे बच्चे और भगवान शिव को जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की जो करने की इस तरह से होड़ मची है कि लोग अपने खुद का अभिषेक करने में लगे हुए हैं। आप तस्वीरें कैमरा पर्सन बताएंगे, देखिए किस तरह से होड़ मची हुई है, तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने में लोग, अब जो लोग हैं जो भीड़ है वो बताती है एक दूसरे का अभिषेक करते हुए, शायद तस्वीरों में भक्त यहाँ नजर आ जाएंगे क्योंकि होड़ की मची है कि सबसे पहले भगवान शिव को रिझाया जाए। अलग अलग तरीकों से रिझाने की परंपरा है, भगवान को फल फ्रूट का फल जो है वो अर्पित किए जा रहे हैं, इसके साथ पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, आज धतूरा बिलपत्र अर्पित किए जा रहे हैं। शायद कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज व्रत भी रखा है और व्रत रख के शाम को अलग अलग पकवान भी बनेंगे। कुछ यहाँ के सेवादार हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं भगवान शिव की जो महिमा है वो अपरंपार है। जी बिल्कुल भाई, महिमा भगवान शिव की अपरंपार है, भगवान शिव महादेव हैं और आज उन महादेव का महाशिवरात्रि पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाना है। जिस शिवलिंग का आप देख रहे हैं वो शंभु शिवलिंग है, ये अद्भुत शिवलिंग है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कितने लोग दूध से, जल से और विभिन्न पदार्थों से जो भगवान के चढ़ाए जाने योग्य हैं उनसे अभिषेक किया जा रहा है। और आनंद के साथ आज मैं यहाँ जयपुर स्थित श्री झारखंडनाथ महादेव मंदिर प्रांगण से श्री बाबू सेठ मेमोरियल ट्रस्ट, श्री झारखंडनाथ भक्त मंडल सेवा समिति, पुलिस प्रशासन और मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों को यहां देवाधिदेव महादेव बाबा झारखंडनाथ के लाइव दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल लाइव दर्शन जरूर हो रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं आप भगवान शिव का अभिषेक करने आई हैं, कितनी आस्था है? जी हाँ बहुत आस्था है, शिव जी सबके संकट हरेंगे। हर सोमवार के आते हो या नहीं? संडे के संडे। जी दीपक संडे आते हो, मतलब शिवरात्रि का दिन तो है ही सोमवार भगवान शिव का है लेकिन ये संडे को आते शायद अवकाश नहीं रहता दीपक, है। तमाम आप इस वक्त जयपुर के ही एक शिव मंदिर में मौजूद हैं
और एक और सहयोगी विशाल इस वक्त जयपुर के मोती डूंगरी स्थित शिव मंदिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।